नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश असल में उम्मीदों का प्रदेश है। ये प्रदेश बहुत सकारात्मक है, लेकिन अब हालत बिगड़ रहे हैं। मुझे याद है बिना इन्वेस्टमेंट मीट किए हमारे समय में निवेश आया था। अखिलेश यादव ने दावा किया कि आज निवेश नहीं आ रहा है, यहाँ गरीबों की अनदेखी हो रही है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एक भी जिला अस्पताल पिछले 6 सालों में नहीं बना है। इस सरकार ने घर घर एम्बुलेंस की सेवा बंद कर दी, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि हमारी योजना हाईवे के साथ मंडी बनाने की थी, लेकिन यूपी सरकार में पिछले 6 सालों में कोई मंडी नहीं बनी। समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किस योजना पर काम कर रही है? इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा, 2024 के लिए मैंने नारा दिया है, 80 हराओ बीजेपी हटाओ। मैं चाहता हूं कि दूसरे दल बड़े दिल के साथ समाजवादी पार्टी के साथ आए और यकीन दिलाता हूं कि 80 की 80 सीटों पर हमारी जीत होगी। इससे पहले भी हमने कई दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है और उसके परिणाम भी सामने आए हैं। इस बार भी हमें इस फार्मूले पर काम करना चाहिए। कई वरिष्ठ नेताओं से बात करने के बाद यही निष्कर्ष निकला है कि जो दल जहां मजबूत है वहां उसके उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी।